अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। है वो सीन जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन जी अमिताभ बच्चन बने, आज उसी सीन की हम बात करेंगे। जी साहब, मैंने इस एरिया के तमाम ब्लैकलिस्टेड लोगों के नाम मांगे थे। क्या बोलते हैं अभिला साहब? अमिताभ बच्चन एक पुलिस ऑफिसर हैं और अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। वो अपने एक अधीनस्थ हवलदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई फाइल्स लाएं जो यहाँ के क्रिमिनल हैं। यहीं पर जब ये बात कही जा रही है, एंट्री होती है प्राण साहब की। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर, हमारा कुछ किस्मत ही कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया, हमारे लायक कोई खिदमत। फिल्म जंजीर का ये सीन जबरदस्त एक्टर प्राण और अमिताभ बच्चन के बीच में, ये पूरी फिल्म के टोन को सेट करता है, उसकी पूरी आने वाली कहानी को सेट करता है। और इसमें हमें देखने को मिलती है बहुत शानदार लिखावट। सलीम जावेद ने ये फिल्म लिखी थी, इसकी कहानी, इसकी स्क्रिप्ट, और इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन जी और प्राण का वो अपने कला का शिखर तय करना, जिसके बाद कि ये तय हो गया कि ये एक्टर अब भारत में लंबे समय तक रूल करने वाला है। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। आप एंट्री के दौरान देखिए कि किस तरह से उनका गेटअप जो बनाया गया है वो क्लियर बताता है कि वो एक किस तरह का आदमी है, जो एक अकड़, जो एक सख्ती दिखाई देती है प्राण साहब के कैरेक्टर में, वो उन्होंने पूरी तरह से प्रकट करी है अपनी एक्टिंग के माध्यम से। पर अमिताभ इसमें जैसे ही वो एंटर करते हैं और बैठना चाहते हैं तो ये किक जो मारते हैं। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यहाँ पर ये एक्टिंग आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जी की, जिसको कॉम्प्लीमेंट किया है प्राण साहब ने भी, और उसमें हमें दिखाई देता है कि किस तरह से ये सीन सेट करता है कि अमिताभ बच्चन को एक तरह की वो थ्रेड दे के जा रहे हैं। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। मगर ये मामला यहाँ नहीं रुकता, ये सीन अगला जो इसका सीन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अमिताभ बच्चन जी ये बात सुन के कि ये वर्दी के रौब की वजह से किया जा रहा है, चाहता तो उनका कैरेक्टर राइटर ऐसा लिख सकता था कि वो यहीं पे कुछ जवाब दे देता, मगर मामला यहाँ नहीं होता है, बल्कि अमिताभ बच्चन अपने सादे कपड़ों में पहुँचते हैं। अमिताभ ये बात स्पष्ट करते हैं कि मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत पर्सनालिटी के तौर पर तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूं। अब ना तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। एक लंबी फाइट उनके बीच में दिखाई गई है, और जिसमें कि देखा जाए तो दोनों बराबर रहते हैं लड़ाई में। थक चुके हैं लड़ते लड़ते, और यहाँ पर दिखाया गया है कि प्राण का जो कैरेक्टर है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक ताकतवर व्यक्ति है जिससे मेरी लड़ाई हुई है, और उनके डायलॉग में ये बात दिखती भी है। आज जिंदगी में पहली बार शेर खान की शेर से टक्कर हुई है। कोशिश ये होती है कि प्राण जब हाथ बढ़ा रहे हैं, ले मिला हाथ, कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने
और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। और प्राण का कैरेक्टर इस बात को समझ लेता है कि यहाँ मुझे एक तरह के समझौते की ज़रूरत है, हाथ मिलाने की ज़रूरत है, और वो शानदार डायलॉग बोलता है। शेर खान, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। के कल नहीं, ये आज से ही सब कुछ बंद। अमिताभ बच्चन जी ने 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से शुरुआत करी, फिर उनकी कई फिल्में आती रहीं, ऐसी कहते हैं करीब 12-15 फिल्में आईं, जिनमें कि उनके काम को कुछ जगह तो नोटिस किया गया, मगर अधिकतर उनकी फिल्म में वो कहीं दिखाई नहीं दिए, फिल्में भी सफल नहीं हुईं और उनकी अपनी एक्टिंग भी किसी तरह से बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाई। तो ये एक महत्वपूर्ण सीन था जिसने अमिताभ बच्चन जी का पूरा 50 साल का कैरियर तय किया, सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते हुए फिर वो सफलता के बहुत सारे मकाम पा पाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और फिल्म दीवार या किसी और फिल्म को आप मानते हैं महत्वपूर्ण अमिताभ बच्चन के कैरियर में, वो माइलिंग स्टोन, और फिर उस फिल्म या जंजीर फिल्म का कोई सीन है जिसको आप मानते हैं कि नहीं वो ज़्यादा बेहतर था, तो अपने कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।